कई मोटरसाइकिल वाले चलते फिरते खींच लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे फ्रूट चाट की दुकान है, इनकी बहुत फेमस दुकान है ये सारी है। और ये हमारे भाई है, ये लगाते हैं। कितने कितने वाली भैया चाट तुम्हारे? 40, 50 और 60। और इसमें सब तरह के फ्रूट्स डालते हैं ये, और बहुत सालों से लगा रहे हैं यहाँ पे। सर्दियों में भी इनकी काफ़ी अच्छी चलती दुकान। भाई कितना टाइम हो गया तुम्हारे लाते हुए? ये तो मुझे ज्यादा दिन हो गया लगाते हुए, है ना? काफी टाइम हो गया, कई सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ तुम्हारे को। बहुत बढ़िया, ये देखो धूप बत्ती जल रही है इनकी। सुबह के टाइम, दिन के टाइम सब ये ना इनके पास आते रहते खाने के लिए। और ये देखो, ये हमारे एरिया का सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। मसाला हल्का, ये देखो बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इनके पास, शुरू से ही बहुत अच्छे रहे इनके। और काफ़ी सालों से इनकी दुकान चल रही है, मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे खाते हुए। मैं सुबह के टाइम हमेशा फ्रूट सलाद ही खाता हूँ, अगर घर में नहीं होते तो बाहर से खा लेता हूँ, नहीं तो घर में खा लेता हूँ। ये देखो, तो ये देखो दोस्तों, आज मैं थोड़ा, मेरा शैंडो बुनियान जो है ख़राब हो गए थे, तो मैं ये हमारे करोलबाग एरिया में ही है, बहुत अच्छी टीटी की शोरूम की दुकान है, पूरा फैक्ट्री होलसेल रेट है इनके पास, ये सारा सामान है। भैया आपके पास टीटी का ही होता है या कुछ और भी? ओनली टीटी का रखें भैया, सारा यहाँ पे टीटी का सामान रखते हैं, वैरायटी का जो टीटी कंपनी है। और ये देखिए, इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग का सामान है सारा। तो आज मेरा बनियान जब ख़राब हो गया था, तो मैं इसलिए बनियान लेने आया हूँ। टीटी एक वो आ जाएगा साइज़ सही? साइज़ आ जाएगा सर आपको। टाइटैनिक वाला लेता हूँ मैं पहले तो वहाँ से ले गया था जो पहले वहाँ थे दीवार। टाइटैनिक ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ना ये वाला साइज़ आता है, ये कितने का एक है? इसकी एम आर पी सर 170, 177 एम आर पी है। कितने का लग जाएगा? 177 डिस्काउंट, 35%, 115 का। दो दे दूँगा। तो ये दोस्तों, मैंने यहाँ से दो बनियान ले लिए, बाकी साइज़ जो मेरा यहीं मिलता, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम भी मैं यहीं से लेकर गया था। तो दोस्तों फिर अभी मिलते दोबारा से, ये मैं आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाता हूँ अपने शॉप का। ये देखो, ये भैया का टीटी का पूरा शोरूम है, इनका काम भी है। पहले एक दुकान और थी इनकी, वो बंद कर दी थी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना में सारी जगह बंद हो गया था, तो इसलिए वो दुकान भी बंद कर दी थी। अभी इन्होंने यहाँ नहीं खोली, तो इसलिए मैं यहीं आया हूँ, मेरे को भी वैसे पता नहीं था। तो दोस्तों थोड़ी भूख लगी थी, सामान लेने आया था, सामान तो ले लिया है मैंने, अब मैं थोड़ा ज़रा नाश्ता कर रहा हूँ, भूख लग रही है, कचौरी और सब्ज़ी खा रहा हूँ मैं। ये हमारे भैया करोलबाग में लगाते हैं दुकान, इनकी कचौरी की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान लगाया है इनकी। बाकी मैंने अभी जहाँ से सामान लिया था वो अपनी रेड लाइट के वही है, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मैं खाते कचौरी ये दोस्तों मेरे दोस्त की दुकान है, मेरा छोटा भाई भी यही है, नितिन, दो भाई है, दोनों भाई मिलकर दुकान चलाते हैं। इनकी इनकी शॉप है, रिचार्ज हो जाता है यहाँ पे। और नितिन क्या क्या होता है अपनी दुकानों का? न्यू हैंडसेट मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मतलब ऑल एसेसरीज है, न्यू हैंडसेट्स है, A to Z चीज मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो हमारी शॉप कम से कम लगा लो 14 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, 15 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारी करोलबाग के अंदर
रैगरपुरा में सबसे टॉप नंबर पे वोडाफोन एयरटेल आइडिया में सबसे टॉप नंबर पे आती है, टॉप 10 लिस्ट पे आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने रिचार्ज कराया था अपने फ़ोन का, तो मैं इसीलिए आया हुआ था यहाँ पे रिचार्ज कराने के लिए। तो ये मेरे एरिया में ही दुकान है इनकी, कभी किसी को कोई काम हो करोल बाग रैगरपुरा में, फ़ोन का, एसेसरीज़ का, नेटवर्क का, जियो सिम, सारे कंपनी के सिम ये देते हैं। ये देखो ये इनकी, मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ जिसमें इनका पूरा है ये। तो दोस्तों मैं आ रहा था अभी बनियान लेके, फिर आगे जब आया तो कचौरी का यहाँ पे भंडारा प्रसाद भी हो रहा है, तो मैं भी ले आऊँ। और ये देखो मैं खा रहा हूँ, ये भंडारा हो रहा प्रसाद का, यहाँ पे कढ़ी चावल है, तो मैं तो छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी ऐसी चीज़ें, मैं तो खा लेता हूँ। और बाकी भंडारा वो हो रहा है सामने, ये भीड़ जो हो रही है सारी भंडारे की हो रही है, मेरे एरिया में ही हो रही है, मेरे एरिया के लड़के ही कर रहे हैं भंडारा प्रसाद। मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये,